दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन से शुरू कर रहे हैं आपका। यह दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वेयर इज द प्लेस विच द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, रियूनियन द्वीप, अमेजन घाटी, या फिर मासिनराम, या फिर चेरापूंजी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है, यह आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, अपना अपना आंसर जो है सभी को यहाँ पर करनी है और बतानी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो यह होती है मासिनराम में। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। किनका किनका सी है, लगभग का सी है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही अच्छे। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है आपका, यह देखो दिया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, 28 फरवरी, 21 मार्च, 27 अप्रैल, या फिर 22 अप्रैल। क्या होगा आंसर, जो विश्व पृथ्वी दिवस है यह कब मनाया जाता है, जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसको कब मनाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास की जो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पिछला क्लास का पीडीएफ मैंने दे दिया था, इस क्लास का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह देखो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं देखो आपका 22 अप्रैल को। बहुत अच्छा, 22 अप्रैल वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने डी किया है उनका आंसर सही जा रहा है। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, या फिर पेरिस। क्या होगा आंसर, जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्था वाला सवाल इंडियन आर्मी हमेशा करती है, सभी को ये टॉपिक पढ़ लेना है। मैंने पीछे टॉपिक वाइज क्लासेज करवा रखी थी पहले, पर आपको फिर से करवा दी जाएंगी सारी की सारी टॉपिक वाइज क्लासेस, पूरा आपका जीके जीएस कवर करवा दिया जाएगा। रोज दोपहर 1 बजे देखो जीके जीएस का क्लास आ रहा है, तो सबको जरूर ज्वाइन करिए, रोज दोपहर 1 बजे चल रहा है। अगर आज वाला क्लास मिस कर दियो तो जाके जरूर देख लेना। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो यह देखो स्थित है जेनेवा में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए जेनेवा हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, यह सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, बाय हुम इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड, मैकमोहन लाइन के द्वारा, डूरंड लाइन के द्वारा, रेडक्लिफ लाइन के द्वारा, या फिर मेगिनोट लाइन के द्वारा। अभी आज ही सुबह सुबह मैंने आपको इसका पोल दिया था, आप सबको मैंने इसका टेस्ट दिया था यूट्यूब पे, आप सभी ने वोटिंग भी किया। चले करेंगे और बताएंगे क्या होगा आंसर, आप सभी ने आज क्विज लगाया था इसका। चलो जल्दी से करो और बताओ क्या होगा, तो बिल्कुल सही, जिस प्रकार आज सुबह हमने क्विज लगाया था तो आंसर सही किया था, उसी प्रकार अभी भी आपका आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर, तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है सब कोई जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था, भारत और चीन के बीच में है। डूरंड लाइन किसके किसके बीच में है, तो याद रखना भारत एंड अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि अब ये भारत और अफगानिस्तान नहीं रहे हैं, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आ गया है। क्यों आ गया, क्योंकि भारत का जो हिस्सा था पीओके, जिसको कि जिस पर अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है भारत के कश्मीर वाले हिस्से पर, तो वहीं पे जो है देखो आपका उसी के साथ लगा हुआ बॉर्डर था, जिसको हम लोग अपना पड़ोसी देश मानते हैं। तो अगर ऑप्शन में देगा तो भारत एंड अफगानिस्तान भी देखने को मिलता है डूरंड लाइन से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो पीओके उसको कब्जा किया गया तो उसको हम लोग अपना हिस्सा मानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तीनों का तीनों पूछा हुआ है, तीनों का तीनों आर्मी परीक्षा में पहले आ रखा है। सारे के सारे चीज नोट करते चलोगे जो जो चीज आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया गया है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949। क्या होगा राइट आंसर, किस दिन जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो भारतीय संविधान है यह कब लागू हुआ है, तो यह देखो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि भारत के निम्न में से किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज निक नेम्ड सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता को, पटना को, मदुरई को, या फिर चेन्नई को। भारत का वह कौन सा शहर है जिसका उपनाम है सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, जल्दी से करोगे और बताओगे, तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से देखो जाना जाता है कोलकाता को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए कोलकाता हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया, हिंदुस्तान एंड मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, या फिर म्यांमार। क्या होगा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है,
अब आज मैंने जो सुबह में आपको क्विज दिया था, जो पोल दिया था, उसमें मैंने ये वाला भी ऑप्शन दिया था पार्क स्ट्रीट का, जिसके बाद कुछ बच्चों के कमेंट आए तो उन्होंने पूछा कि सर पार्क स्ट्रीट किसके बीच है, ये बता दीजिए किस किस देश के बीच में है। तो याद रखोगे पार्क स्ट्रीट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार पूछा जाए तो यह देखो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये नहीं कि पाक स्ट्रेट मिल गया तो पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल नहीं, पाक स्ट्रेट है, ठीक है, पाक स्ट्रेट इसको बोलते हैं। अब पाक स्ट्रेट भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में, न कि पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखना है सबको, नहीं तो नाम बहुत कंफ्यूज करता है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। यह दिया गया है कि सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है, वेयर आर द सेवराय हिल्स लोकेटेड, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। जो सेवराय पहाड़ियां हैं यह कहां पर स्थित है, जो सेवराय की पहाड़ियां हैं यह कहां पे है, क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही करोगे और बताओगे और जल्दी से करोगे। तो जो सेवराय की पहाड़ियां हैं यह देखो स्थित है तमिलनाडु में, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहां है, वेयर इज द पारादीप पोर्ट, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है या फिर केरल में है, क्या होगा राइट आंसर, जो पारादीप बंदरगाह है यह कहां पे स्थित है, जो पारादीप पोर्ट है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में जो है देखो ये आपका स्थित है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, 10 नंबर सवाल है आपका, बिल्कुल सही करोगे और बताओगे, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा अपना अपना क्या होगा। 10 नंबर सवाल है, पहले मुझे आप सबका आंसर चाहिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, गैलीलियो ने, जे एल बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या फिर केपलर ने, निम्न में से किसके द्वारा जो है सौर प्रणाली की खोज की गई, वह कौन है जिसने सौर प्रणाली का खोज करा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, चलो जल्दी से करो और बताओ, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो जो सौर प्रणाली है इसकी खोज देखो करी गई है कॉपरनिकस के द्वारा। सी करने वालों का आंसर बहुत बढ़िया है, यदि सी कर रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, बहुत ही अच्छे। चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह है आपका कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज मनु ऑफ मॉडर्न एज, एम जी राणाडे, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या फिर महात्मा गांधी, निम्न में से किसको जो है देखो आधुनिक युग का मनु बोलते हैं, आधुनिक युग के मनु के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये है देखो बी आर अंबेडकर जी, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी बी आर अंबेडकर। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या फिर मृत सागर, क्या होगा राइट आंसर, निम्न में से कौन सा जो है विश्व का सर्वाधिक गहरा झील है, विश्व के सर्वाधिक गहरे झील के रूप में किसको जाना जाता है, तो वह झील है देखो आपका बैकाल झील, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी बैकाल झील, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो आपका, देखो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन हमेशा इंडियन आर्मी पूछती है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे, चलिए इसका आंसर जल्दी से कीजिएगा सबको, क्या पूछा है कि एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल सही करोगे बताओगे, चलो जल्दी से करना सबको, क्या आंसर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जिनका भी आंसर ए को है ना, जिनका भी आंसर यहाँ पे ए को करना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनका आंसर सही जा रहा है, ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचर सेफ्टी वॉल्व, भूकंप, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या फिर नदियों को, निम्न में से वह क्या है जिसको प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं, प्रकृति के सुरक्षा वॉल्व के नाम से किसको जाना जाता है, वह क्या है, तो वह है देखो आपका ज्वालामुखी, वह क्या है, तो वह है देखो आपका वोल्केनो, सी यदि आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, लगभग का सी है, सी करने वालों का आंसर सही है, ठीक है, कुछ की गलती भी है, सी वालों का सही है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। यह यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, रैम या फिर रोम, पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल सही करोगे बताओगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में किसको जाना जाता है, पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर में आ रखा है, जल्दी से करोगे बताओगे, तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो यह देखो सीपीयू है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है, लगभग का ये है, बहुत बढ़िया, सभी ने लगभग सही किया है, ए आंसर किया, बहुत ही अच्छे। चलो यहां से आपका साइंस शुरू हो रहा है, अब जीके का देखो 15 क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, अब जो है यहां से आपका जीएस शुरू हो रहा है, दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, वुड अ लूनर इलिप्स हैपन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या फिर उपयुक्त ए और बी दोनों, चंद्र ग्रहण जो है यह कब घटित होता है, जो चंद्र ग्रहण है यह कब होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो जो चंद्र ग्रहण है
यह देखो होता है घटित आपका पूर्णिमा के दिन, यह लगता है फुल मून के दिन। इसी के साथ साथ आपसे देखो पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, जिसको कि सोलर इलिप्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो सूर्य ग्रहण है यह देखो आपका अमावस्या के दिन लगता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए अमावस्या, ठीक है। सूर्य ग्रहण सोलर इलिप्स अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूछेगा तो पूर्णिमा के दिन, दोनों का दोनों आ रखा है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का दोनों सवाल जो इंडियन आर्मी का जीडी ट्रेडमैन में पूछ रखा है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, एट वॉट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन जो है यह देखो आपका टेक्निकल एंड जीडी दोनों में आ रखा है प्रीवियस सालों में। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो यह देखो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है, आर्मी का पिछले साल का पेपर का सवाल है, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, विच इज द गैस यूज टू पुट आउट द फायर, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए कौन से गैस को प्रयोग में लाया जाता है, आग को बुझाने के लिए जो है किस गैस का प्रयोग करते हैं, क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो वह गैस है देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है, द लिक्विड इज नोन एज गोल्ड, द लिक्विड इज नोन एज गोल्ड, क्या होगा पेट्रोलियम, प्लैटिनम या फिर एक्वारेजिया या फिर पायरिन। क्या होगा, द्रव्य सोना के नाम से किसको जाना जाता है, द्रव्य सोना के नाम से जो है किसको जानते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो द्रव्य सोना के नाम से देखो जानते हैं पेट्रोलियम को। किनका किनका पेट्रोलियम है, कौन कौन पेट्रोलियम को, लगभग ने सही किया है, बहुत अच्छे, पेट्रोलियम लगभग का आंसर है, ज्यादातर का आंसर पेट्रोलियम को कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। जो पेट्रोलियम है उसको देखो द्रव्य सोना बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, H2Cl, HCl2 या फिर डी में है नन ऑफ दीज। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या होगा राइट आंसर, पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमेशा इंडियन आर्मी जो है रासायनिक सूत्र से जुड़ा हुआ सवाल आपको प्रीवियस ईयर में देखने को जरूर मिलेगा इंडियन आर्मी का, क्योंकि रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और मैंने आपको पहले भी जो पेपर बनाया उसमें आपको करवाया, और लगातार आपको ये टॉपिक भी क्लियर करवा दिया जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला है ये है HCl, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तांबा, टंगस्टन, मृदु लोहा, सॉफ्ट आयन या फिर स्टील। निम्न में से वह क्या है जिसको विद्युत चुंबक, जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, जो कि बनाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, वह क्या है, तो वो है देखो मृदु लोहा, ये है देखो आपका सॉफ्ट आयन। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी मृदु लोहा सॉफ्ट आयन, ठीक है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट कोल इज नोन एज पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस। मुलायम कोयला के नाम से किसको जानते हैं, बिल्कुल सही करना और बताना, निम्न में से किसको जो है मुलायम कोयला बोलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो मुलायम कोयला के नाम से देखो जाना जाता है बिटुमिनस को। यदि आपने आंसर किया डी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन्स डन, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरोमोलॉजी या फिर जियोलॉजी। अस्थियों का जो अध्ययन है यह विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है, अस्थियों का जो अध्ययन है ये आपका साइंस के किस स्टडी की ओर, किस ब्रांच की ओर जाता है, तो यह देखो इसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो अस्थियों का अध्ययन है इसको ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसको जो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, विसूचिका, आंत्रज्वर, चेचक या फिर लकवा। जो एडवर्ड जेनर है यह किस रोग से संबंधित है, जो एडवर्ड जेनर है यह किस रोग से जुड़े हुए हैं, इनका जो संबंध है वह किस रोग से है, तो जो एडवर्ड जेनर है यह देखो चिकन पॉक्स या फिर इसी को स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, चेचक से संबंधित है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक का टीका बनाया था, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स बोल सकते हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चेचक का टीका किसने बनाया, तो चेचक का जो टीका है वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स जो है यह देखो बनाया गया है एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे।
अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया हुआ है आपका कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, कुलाम, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम, क्या होगा राइट आंसर? विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई इकाई क्या होता है? जल्दी से करो और बताओगे, सभी का आंसर आना चाहिए। हमेशा देखिए इंडियन आर्मी जो है एसआई मात्रक से जुड़ा हुआ सवाल करती है, ठीक है, एसआई मात्रक से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा पूछा जाता है, सबको ध्यान में रखोगे। करो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो वह देखो वोल्ट है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। अगर वही आपसे देखो प्रतिरोध का पूछ दिया जाए कि प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है। यहीं पर देखो दिया हुआ है एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस का आपका क्या हो गया, ओम हो गया। अब यहीं पर देखो आपका ये कुलाम दिया हुआ है, पूछा जाएगा कुलाम किसका एसआई मात्रक है, तो कुलाम में याद रखोगे यह जो है आवेश का एसआई मात्रक है, ठीक है, कुलाम में आवेश हो गया, एम्पियर विद्युत धारा का हो गया, ओम प्रतिरोध का हो गया, और वोल्ट किसका है, तो वोल्ट आपका विद्युत विभवांतर का हो गया। इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा, सारा का सारा पूछा हुआ है, ठीक है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। यह दिया हुआ है देखो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्हाट एनर्जी डू प्लांट्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को द्वारा कौन से ऊर्जा का प्रयोग करा जाता है, तो वह ऊर्जा है देखो आपका सोलर एनर्जी, वह ऊर्जा है देखो आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, वायुमंडल का सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा है, तो वायुमंडल का जो सबसे लोएस्ट लेयर है यह है देखो आपका क्षोभ मंडल। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है कि हीटर की कुंडली किससे बनी होती है, व्हाट इज द कॉइल ऑफ हीटर मेड ऑफ, नाइक्रोम, टंगस्टन, ताम्र या फिर लोहा का। हीटर का कुंडली किसका बना हुआ है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्या होगा राइट आंसर, हीटर का कुंडली किसका बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। चलो पहले आप सब करोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्या आंसर कर रहे हैं, नाइक्रोम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, नाइक्रोम करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। हीटर का कुंडली जो है नाइक्रोम का बना हुआ होता है। यहीं पर देखो आपका दिया हुआ है टंगस्टन। टंगस्टन में याद रखोगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ है, तो विद्युत बल्ब का अगर आपसे फिलामेंट पूछेगा तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह देखो टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह टंगस्टन का बना हुआ है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। यह यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, एड्रिनेलिन को, थायरोक्सिन को, वेसोप्रेसिन को या फिर इंसुलिन को। निम्न में से वह कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, वह कौन सा हार्मोन है जिसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से देखो जानते हैं एड्रिनेलिन को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए एड्रिनेलिन हो गया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पर। आज का अंतिम सवाल है जीएस सेक्शन का, 30 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा। चलो करना और बताना। देखो जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है, इसी के साथ जो है ये आपका जीएस का भी 15 नंबर सवाल है, मतलब कि 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आपका 31 नंबर सवाल आएगा जहां से हमारा मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से करना और बताना। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्रोटीन की, लिपिड की, पर्णहरित की या फिर कार्बोहाइड्रेट की। पत्तों का जो हरा रंग है या निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पत्तों का जो हरा रंग है ये किसकी वजह से होता है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किया हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, स्ट्रेट्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाय कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था,
फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ईबुक को बाय कर लेना, ये मिल रहा है आपको। आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है फोन पे पेटीएम गूगल पे से, और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ईबुक है, इस ईबुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ईबुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ईबुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ईबुक देखो, यह जो ईबुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ईबुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस ट्रेसमेंट टेक्निकल नर्सिंग स्टेशन क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ईबुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है फोन पे पेटीएम गूगल पे से, फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ईबुक को जरूर बाय करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ईबुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ईबुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ईबुक को जरूर बाय कर लेंगे। एक ईबुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर, फिर जो ये ई बुक है ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो यह देखो आपका होता है पर्ण हरित के कारण, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, पर्ण हरित क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तों का रंग हरा होता है, हो गया सबका। चलो मैथ का शुरुआत हो रहा है अब यहां से आपका जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है, सबको बनाएंगे और अपना अपना आंसर सही करते चलेंगे, सभी का आंसर होना चाहिए। जल्दी से सबको शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक, इस क्लास को जरूर पहुंचा देना। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी जल्दी से लाइक कर देना क्लास को, सेशन को, उसके साथ साथ सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। क्या दिया हुआ है देखिए कि 30-60-72 का महत्तम समापवर्तक होगा। आपको यहां पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो 30 को तोड़ लो, 30 को देखो तोड़ोगे तो मानो कितना टर्म में ये टूटेगा, तो ये आपका 2 × 3 × 5 कैसे टूटा, तो इसको तोड़ोगे यहां पर तो देखो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, ठीक है। इसी के साथ आपका देखो 60 आ गया। अब कुछ नहीं, इतना में गुना 2 कर देना एक्स्ट्रा, क्योंकि 60 जो है 30 × 60 होता है, तो क्या कर देंगे यहां पर देखो 2 × 2 फिर गुना में 3 और फिर इंटू में आ जाएगा 5, कैसे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60 हो गया, 12 × 5 = 60 हो गया, ठीक है। यहां पे आगे देखो आपका दिया हुआ है 72। अब देखो 72 को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मानो यहां पे तोड़ लो, 2 से देखो कितना बार में कट होगा, पहले 72 देख लो तो 36 टर्म में 36 बार मानिए कट हो जाएगा आपका, फिर 2 से ये 18 बार में, फिर आपका मानिए ये कितने बार में, तो 2 से फिर 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, इसी प्रकार से जो मानो हमने यहां पर तोड़ लिया। अब क्या आ गया देखो 2 × 2 × 2 गुना में हो गया आपका 3 × 3। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको बनाने का देखिए एक तरीका है, एचसीएफ आपसे पूछा गया है सिंपल सा, तो एचसीएफ में उन संख्या को देखते हैं जो कि सभी जितना को भी तोड़े उन सब में मिल रहा हो, तो देखो 1 × 2 है जो कि तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे यहां पर, हम सबसे पहले 1 × 2 लिख लेंगे और फिर गुना का चिन्ह। अब देखो और कुछ मिल रहा है तो और 2 है जो सब दो है वो देखो केवल अब 2 में बचे हुए, केवल 2 ही डिजिट में, बाकी 1 और 2 और तीसरा संख्या में नहीं है, इसलिए अब 2 नहीं ले सकते। अब देखो 3 ले सकते हैं, क्योंकि जो 3 है ये तीनों में देखो है आपका, यहां पे देखो ये 3 जो है तीनों में है, तो इसलिए हमने क्या करना है 2 × 3। अब मानो 5 है तो 5 केवल 2 में है, तीसरा में नहीं है, अब और जो भी है वो केवल अलग अलग है, तो 2 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 6 हो गया। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 6 हो गया। आपका जो मैथ है आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, खास करके मैथ का हर एक क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन आप मैथ का बनाओगे, एकदम इजी वे में बनाओगे, इतना अच्छा तरीका से आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल है देखो कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 वर्ष का ब्याज होगा, यह जो है आपको यहां पर बताना है। क्या दिया हुआ है देखो आपका यहां पर पी दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है देखो यहां पर, मूलधन कितना है, तो यह है देखो आपका 2500, ठीक है, इसको लिख लेंगे। आगे समय दिया हुआ है टी, टी कितना है, तो टी है 3 वर्ष। आगे ब्याज दिया हुआ है आर, आर कितना है, तो यह है 4 वर्ष, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो एसआई बराबर यहां पर पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। चलो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पहले आप सब करो और बनाओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो आप सब बना ही लोगे। अब आप सब आगे बढ़ो, आप सब खुद से बनाओ, ठीक है। देखो पी इंटू आर इंटू टी था, क्या हो गया 2500 गुना में हो गया आपका 4, आर की जगह टी की जगह 3, नीचे हो गया बटा में 100, ये 0 से 0 कट गया, 25 चूंगा कितना होता है 100 होता है,
फिर गुना में आपका 3 है, 100 गुना 3 किया तो कितना आंसर आया, तो आंसर आया 300। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो यह है डी। अगर लगभग ने डी किया है, मुझे जानते हैं सभी का डी है, बहुत बढ़िया, डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से मैथ बनाते चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, डी हो गया आंसर, ठीक है। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है देखो कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना ₹132 में बेचा गया था, खिलौना का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको क्या दिया ना, विक्रय मूल्य दे दिया, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, विक्रय मूल्य मिला हुआ है कितना है, तो यह देखो 132 है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग देखो लिख लेंगे माना अंकित मूल्य, ठीक है। हम लोग को बोला है अंकित मूल्य निकालने को, हम लोग को बोला है मार्क्ड प्राइस निकालने को, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस इक्वल टू मानो हमने मान लिया x, क्या बोला 12% का छूट दे रहा है, मतलब कि x का 88% वो ले रहा है, जो उसका अंकित मूल्य, जो उसका मार्क्ड प्राइस है, उसका वो कितना लिया, तो उसका वो मानो 88% लिया, तभी तो उसने 12% का छूट दिया। अब बराबर में 88% का छूट देकर वो कितना में बेच रहा है, तो वह देखो बेच रहा है ₹132 में, यही कर रहा है ना। अब इसको बना लो यहां पर, इजी सा तो पड़ गया, अब 88 नीचे क्या आएगा, बटा में 100 आ गया, प्रतिशत हटाओगे तो बराबर हो गया आपका देखो 132। अब कितना x बराबर करोगे तो हो गया 132, 100 जो नीचे है वो उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो ऊपर में 100 हो गया, नीचे हो गया यहां पर देखो आपका 88। जल्दी से कट करो और अपना अपना आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सबको करनी और यहां पर बतानी है। क्या करते हैं देखो, सबसे पहले 4 से कट कर देते हैं, 4 से देखो ये 22 बार में कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 से सिंपली 22 बार में कट हो गया। अब इसको भी 4 से कट करेंगे तो मानो कितना बार में, तो चरतियाई 12। उसके बाद वापस देखोगे तो कितना बार में, तो वापस कट हो जाएगा, ये देखो चरतियाई 12, ठीक है। 4 3 12 आ गया, फिर से एक किया तो 4 3 12 आ गया, ठीक है। अब देखो 11 से 2 बार में, 11 से कितना बार में, तो 3 बार में, फिर 11 फिर 2 से कट करोगे तो ये हो गया 50 बार में, 50 गुना 3 किया तो कितना आया, तो आपका आंसर देखो आ रहा है 150। अगर 150 की हो तो आंसर बिल्कुल सही है, 150 वालों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 150 हो गया। इसी प्रकार से मैथ बनाते चलना है, नॉर्मली देखो मैथ बनाते चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से मैथ सबसे ईजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा नंबर मैथ में ही लाओगे, ठीक है। चलो ये आयु वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन आपने देखो क्लास 10th में पढ़ा था, आयु वाला क्वेश्चन है 9th में। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आज एक होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कि आयु वाला क्वेश्चन किन किन से बन पाता है। नया बच्चा भी हो तो भी ट्राई करना, पुराना बच्चा हो तो भी ट्राई करना, अगर नहीं बन पाया तो मैं कल इसी क्वेश्चन को जो हूं वापस सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इसका सोल्यूशन आप लोग करके मुझे दिखाओगे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है यहां पर अंडर रूट में 0.00000, अगला है देखो 441, ठीक है। यहाँ पे कैसे करते हैं, देखो बनाने का सिंपल सा तरीका, ये वाला क्वेश्चन इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है, मतलब कि इस बार भी हो सकता है कि पूछेगी और पूछने का चांस ज्यादा है। तो सिंपल सा देखो क्या दिया है, वर्ग निकालना है, ठीक है। आपको रूट में दिया हुआ है 441 किसका स्क्वायर होता है, आगे बढ़ोगे तो बहुत लंबा मेथड जाएगा, उतना ज्यादा हमको निकालना, डायरेक्टली हमको निकालना है छोटा सा ट्रिक के मेथड से। देखिए अब यहाँ पे 441 कितना का स्क्वायर है, तो यह स्क्वायर है देखो आपका 21 का, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमें वर्ग निकालना है। अब देखो दशमलव कितना अंक के बाद है, वो देखो दशमलव है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो जब रूट टूटता है तो जस्ट अधिया हो जाता है, जस्ट आधा हो जाता है। तो यदि यहाँ पर 6 अंक के बाद दशमलव है तो रूट टूटेंगे, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव हो जाए क्योंकि जस्ट आधा होता है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऑलरेडी 2 अंक है तो 1 अंक यहाँ पे और बैठा दो 1 तो 0, मतलब राइट आंसर होगा देखो 0.021, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। देखो कितना आसानी से बन गया, अभी इसको दशमलव हटाते, नीचे 6 तो 0 लगाते, अब उसको तोड़ते, एक एक करके कट करते, बहुत लंबा होता है, देखो आसानी से हमारा आंसर मिल गया। तो इसीलिए मैथ को कोशिश करना है आसानी से, बेहतरीन तरीके से बनाना है, ठीक है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर ₹3600 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया है, अब वो मैंने करवाया, ये वाला आप लोग करो। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, पहले आप सब करोगे, ठीक है। मैं जब यहाँ पे आपका आंसर देख लूंगा तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, अंकित मूल्य निकालने को बोला है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग देखो मान लेंगे यहाँ पर, माना जो अंकित मूल्य है ये हमारा देखो हो गया एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स हमने मान लिया। अब क्या बोला है कि एक्स पर उसने जो अंकित मूल्य था उस पर उसने 25% का छूट दे दिया, मतलब कि उसने बेचा कितने में, तो उसने बेचा एक्स का 75% में, अंकित मूल्य पर उसने 75% कमाया क्योंकि उसने 25 का ऑलरेडी छूट दे रखा है, तो बराबर में कितना हो गया, तो बराबर में हो गया देखो यहाँ पर आपका 3600, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक्स गुना में आ गया यहाँ पर देखो 75/100 इक्वल टू में आ गया आपका 3600। चलो सबका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, लगभग का आंसर आ गया। चलिए अब जल्दी से बना लेते हैं।
अब कितना हो जाएगा देखो, तो x बराबर करेंगे तो यहां पर मानो ये हो गया 3600 गुना में ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा आपका 75। यही करेंगे ना, और तो कुछ भी नहीं करेंगे, बेसिक सा चीज है, नीचे 75 आ गया। अब देखो 75 से इसको सिंपली कट कर दोगे 48 बार में, 75 से डायरेक्टली कट हो जाएगा 48 बार में, 48 गुना 100 करिएगा तो आपका आंसर आएगा देखो 4800 क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है यहाँ पे चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखो क्या सवाल है आपका कि यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग का चॉकलेट होगा। अभी जब मैंने पिछला दिन क्लास लिया था तो सेम मैंने ये वाला क्वेश्चन बनवाया था आप सबको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस क्लास अगर छोड़ दिया तो सबको जाकर अटेंड करो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। चलिए इसका आंसर करिएगा और बताइएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, आर्मी में सेम ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा आंसर। सबसे पहले हम लोग देखो यहां पे क्या लिख लेंगे, हम लोग देखो लिख लेंगे अनुपात, अनुपात कितना है तो ये है 7:4। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग देखो यहां पे निकाल लेंगे अनुपातिक योग। ठीक है, अनुपातिक योग कितना हो गया, तो 7+4 ये हो गया 11। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है और जब भी आएगा तो ऐसे ही बनाना। ठीक है, अब क्या बोला, तो छोटा भाग का चॉकलेट होगा, छोटा भाग कौन सा है, 4। तो ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग 4 लिख दिए, टोटल अनुपातिक योग हमारा कितना था तो यह है 11, और टोटल चॉकलेट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है तो यह है 121। 11 से जब 121 को कट करोगे, ये देखो 11 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, 11 गुना 4 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 44। बहुत अच्छा, 44 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगला सवाल है आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और हमेशा ऐसा सवाल आपका जीडी और ट्रेडमैन में देखने को मिला है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे, यहां तक कि टेक्निकल का भी 2021-2020 का पेपर में ये सवाल बिल्कुल ऐसा सवाल आया था, बोला था 500-625 का 25% निकालो, बिल्कुल ऐसा सवाल आता है। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे कि 525 का 28%। ठीक है, 525 का 28% पूछा, तो 525 का मतलब गुना 28%, मतलब कि बटा में आ गया 28 बटा में 100। ठीक है, यहाँ पे परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो आप सब जानते हो, 4 से देखो 25 से कट कर दो, 4 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, आगे 25 से कट करोगे, देखो 25 दूनी 50 हो गया, बचा 2 और 5, मतलब कि 25 एकम 25 21 आ गई। अब 4 से जब इसको कट करेंगे तो यह देखो 7 चौक 28, 7 बार में यह जो सिंपल ही है आपका देखो कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, 21 गुना में 7 हो गया, क्या आंसर आ रहा है, 147 आ रहा है। बहुत बढ़िया, 147 वालों का आंसर बिल्कुल सही है, 21 गुना 7 करोगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब राइट आंसर हो गया 147। क्या है सही आंसर, तो यह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, यदि बी को की हो बहुत अच्छा आंसर बताए हो। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया है कि पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्राइम नंबर्स, 5, 3, 7 या फिर 2। पहला और दूसरा अभाज्य संख्या का योगफल यहाँ पे बताना है, पहला और दूसरा अभाज्य संख्या जो उसका आपको यहाँ पे योगफल निकालनी है। अच्छा, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 हो गई, उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 3 हो गई, अगला में चलोगे तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 5 होता है, तो अभी यहाँ पे 2 और 3 है हमारे पास, तो पहला और दूसरा का ही पूछा है, तो इनका योगफल मतलब कि 2 और 3, तो कितना आ गया, तो आ गया हमारा 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या है आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सबका। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है बोर्ड मास का सवाल है, देखिए आपका क्या सवाल है यहाँ पर, अंडर रूट में देखो 15 गुना में है 163, फिर इसको भागा दे रहा है 5 से, और फिर माइनस में दिया हुआ है 89। यह चीज जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पहले क्या करते हैं, पहले भाग का काम करते हैं, ये सब आप सबको भी पता है, तो मानिए रूट में आ गए हैं हम। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, तो यह देखो हो गया आपका 15 गुना में हो गया आपका 163 बटा में, ये 5 देखो भाग का चिन्ह है, तो मानो बटा में आ गया यहाँ पे 5 और फिर माइनस में हो गया 89। अब ध्यान में रखिएगा कि रूट ये टोटल के लिए, तो कहोगे कि सर रूट तो केवल 15 पे लगा हुआ था, तो ऐसा नहीं है, रूट ये टोटल सब पे लगा हुआ है। ठीक है, 5 से देखो यह जो आपका 3 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, अब 163 गुना 3 करोगे तो 3 तिया 9, 6 तिया 18 का कैरी किया यहाँ पर 1, 6 और 1 कितना हो गया, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 7। ठीक है, हो गया यहाँ पर सबको क्या यहाँ पे क्लियर है। चलो यहाँ पर आपका हो गया 3 एकम 3 और 1 4 हो गया यहाँ पे, 163 गुना में जब 3 करोगे तो इतना आएगा। अब क्या है, माइनस में 89 है, कितना हो गया, तो यह देखो अभी रूट में ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, रूट में ही आपका देखो घटाएंगे तो आ गया 400 किसका स्क्वायर है, तो ये 20 का स्क्वायर है, राइट आंसर हो गया देखो 20 जो है आपका देखो दिया हुआ है ऑप्शन डी में, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी 20 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 आ गया सबका, बहुत अच्छे। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। यह देखो यहाँ पे आपका, यह देखो सवाल सही से नहीं बन पाया, ठीक है, इसको हम लोग नहीं आज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत तरीके से जो टाइप हो गई, इसको इस पर सही टाइपिंग नहीं हो पाई है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर आपका सिंपल सा सवाल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये क्या सवाल है आपका कि यहाँ पर आपका मानो 85 100 97 है, माइनस में वॉट लगा हुआ है, बराबर में इसको देखो घटा देते हैं,
नौ में से आठ गया तो कितना बचा, एक बचा। यहाँ पर है बारह, बारह में से पांच गया तो कितना बचा, सात बचा। फिर तीन में से तीन तो जीरो, और चार में से तीन गया तो 3071 आ रहा है यहाँ पे घटाने पे, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पर मानो माइनस में वॉट लगा हुआ है, अब इधर उसको उधर भेज दो सिंपल सा, तो ये वॉट माइनस था तो माइनस में ही रह जाएगा मानो। और फिर ये कितना है तो 3071, ये इधर जोड़ में था तो इधर आएगा माइनस में, ये हो गया देखो 8597। अब सिंपल सा इसमें से इसको घटाना, चीन आएगा माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। माइनस वॉट, जब इसको घटाएंगे देखो कितना आएगा, सात में से एक घटाओ तो कितना बचा, छह बचा, ठीक है। अब नौ में से सात घटाओ तो कितना बचा, दो बचा। पांच में से जीरो घटाया तो पांच, और आठ में से तीन घटाया तो कितना आ गया, पांच आ गया, मतलब कि 5526। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि ये माइनस बड़ा था इधर, अब माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि राइट आंसर आएगा हमारा देखो 5526। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन बी, हो गया सबका। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि चार प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज पर पांच वर्ष हेतु 3750 रुपए निवेश करने पर कितने रुपए जो है ब्याज प्राप्त होगा, यह जो है आपको यहाँ पर बताना है और करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा, सभी का आंसर जो है आना चाहिए। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पी दिया है तो पी इंटू आर इंटू टी उसी पे निकाल दो, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। पी कितना है तो पी है देखो आपका यहाँ पे 3750, इंटू में आर कितना है तो ये है चार, टी कितना है ये है पांच, बटा में लग गया आपका 100। ये देखो जीरो से जीरो कट गया, पांच से देखो कट गया दो बार में, दो से कट गया दो बार में, ठीक है। 375 गुना दो करोगे तो कितना आएगा, तो 350 गुना दो करते हैं तो आपका आता है देखिए 700, और फिर दो मानो 25 दूनी 50, मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा 750। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन डी, हो गया सभी का। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या सवाल है देखो कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है, स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी, यह जो है आपको यहाँ पर बताना है, बिल्कुल सही करना और बताना, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए, लाभ हानि वाला सवाल है। देखो सिंपल सा तरीका है बनाने का, आप सभी को लगभग तरीका पता है क्या होगा, तो देखो सबसे पहले विक्रय मूल्य लिख लेंगे, ठीक है, गुना में ऊपर में 100 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे परसेंटेज जोड़ के जो बेनिफिट हुआ, तो वो पहले से वो 100% था, 26% का बेनिफिट हुआ, मतलब कि वो अब कितना हो गया, तो वो हो गया 126, ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, चलो जल्दी से कट करो और आंसर बनाओ, सभी का आंसर आना चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे कोई भी। चलिए इसको कट करते हैं, आराम से कट करेंगे इसको, पहले तीन से कट करते हैं, देखो तीन चौका 12 और फिर कितना आ गया, तो 3 दूनी 6, ठीक है। यहां तक तीन से ही करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और फिर 3 एकम 3, फिर से देखो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से कितना बार में कट होगा, तो देखो 3 से ये आपका कट हो जाएगा यहाँ पर कितना बार में, तो 14 बार में, 14 तिया 42, ठीक है। यहाँ सबको जल्दी जल्दी आंसर करिए, लगभग का आंसर आने लगा है, सभी को बतानी है। और फिर 3 से देखो इसको कट किया तो ये कितना बार में कट होगा, तो ये मानो आपका कट हो गया देखो 3 6 18, ठीक है। यहाँ पे बचा 5 और 1, 3 से कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा, तो यह देखो आपका यहाँ पर कट हो जाएगा 3 7 21, सबसे पहले देखो 7 से मार इसको कट कर लो, 3 7 21 बचा 2 और फिर 1, तो फिर से हो गया 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 से मानो 7 बार में, और 2 से ये मानो कट हो गया 50 बार में, फिर से देखो ये 7 से जो 77 है 11 बार में, मतलब कि 11 गुना 50 करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो 11 गुना 50 करने पे आपका आंसर आ जाएगा देखो 550। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 550 हो गया, ठीक है, 550 आया है सबका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए हो आप सब। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह जो आपको यहाँ पे बताना है। क्या दिया है देखो, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बनाने का तरीका लंबा हो सकता है, पर एक फॉर्मूला होता है, देखो ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ए इंटू बी पहला वाला कितना है 20, बी कितना है तो यह है 30, 20 गुना 30 बटा में आ गया देखो आपका 20 प्लस 30, ठीक है। 20 गुना 30 किया तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 600 बटा में हो गया 50, कट कर दो तो देखो ये 12 बार में कट हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 और 12 5 60, राइट आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। क्या है आंसर, तो यह है ऑप्शन डी, जिन्होंने भी डी को किया हो बिल्कुल सही आंसर है, लगभग का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, डी हो गया राइट आंसर। चलिए अब जो है यहाँ पर आपका रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका आपका देखो जीके का 15 क्वेश्चन हो चुका है, जीएस का भी 15 क्वेश्चन हो गया, मैथ का टोटल 14 क्वेश्चन ही हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं करवाया आज हमने, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसमें। अगले सवाल भी बढ़ेंगे, देखो दिया हुआ है विषम विकल्प चुने, चूज द ऑड ऑप्शन, वसंत, पतझड़, हवादार या फिर गर्मी, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि विषम है, जो कि अलग है, क्या होगा आंसर, जल्दी से करना और बताना, सभी का आंसर जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो इनमें से जो अलग है, जो विषम है, वह क्या है, देखो वसंत भी एक ऋतु है, पतझड़ भी एक ऋतु है, गर्मी भी एक ऋतु है, लेकिन हवादार कोई ऋतु नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये कोई मौसम नहीं है, तो क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी हवादार जो है ये अलग है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, यह देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या सवाल है देखो आपका,
इसको देखो सिंपल सा ऐसे सवाल को ऐसे बनाते हैं, जे ओ आई एन को कितना लिखा है, तो जे ओ आई एन को देखो लिखा है 8, 5, 7 और फिर लिखा है 4, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका देखो दिया हुआ है पी ओ के ई आर, पोकर को, पोकर को कितना लिखा है, तो यह देखो लिखा है 9, अगला को लिखा है 5, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 2 और फिर लिखा है 1, 9, 5, 3, 2, 1 लिखा है, ठीक है। हमसे पूछा है कि जोकर को कितना लिखा जाएगा, अब देखो जे की जगह पे कितना है, तो जे की जगह पे है 8, ओ को कितना लिखा है, ओ को लिखा है 5, के को कितना लिखा है, तो के को लिखा है देखो 3, ई को कितना लिखा है, तो ई को देखो लिख रहा है 2, आर को कितना लिखा है, तो आर को देखो लिख रहा है 1, मतलब कि 8, 5, 3, 2, 1, यह जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये वालों का आंसर, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ज्यादातर का सी आया है, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो यहाँ पे है कि इन 5 समूहों में से किसी प्रकार समान है उनका एक समूह, तथा उनका एक समूह उनमें से एक ऐसा है जो कौन सा समूह में नहीं आता है, जो कि अलग है। आपको यहाँ पे विषम का पहचान करना है, अलग का। देखो ज्वार, गेहूं, धान, सरसों, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अलग है, जो कि विषम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। तो देखो इनमें से जो अलग है ना, जो विषम है, वह क्या है, तो वो है देखो आपका सरसों। क्यों? क्योंकि तीनों जो है खाद्य पदार्थ है, तीनों जो है ये खाद्य पदार्थ है, एक जो है तेलीय पदार्थ है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, सरसों, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है कि जिस प्रकार मकड़ी कीट है उसी प्रकार मगरमच्छ क्या होगा, रेंगने वाला जानवर है, स्तनपाई है, मेंढक है या फिर मांसभक्षी है, क्या होगा आंसर। जिस प्रकार मकड़ी कीट है उसी प्रकार जो मगरमच्छ है यह क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा सबको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सभी का आना चाहिए, मकड़ी जिस प्रकार कीट है उसी प्रकार मच्छ, उसी प्रकार मगरमच्छ क्या है, तो जो मगरमच्छ है यह देखो रेंगने वाला जानवर है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए रेंगने वाला जलचर है, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, और आज का देखो ये आपका अंतिम सवाल है, यह यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। चलिए बताएंगे यहाँ पर और करेंगे, बताना है यहाँ पर, देखो क्या बोला, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से यह कहा है यहाँ पे कि वह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो माँ है वह तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, देखो आपका ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पहले, रोहित ने जो है नेहा से कहा एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कि उसकी जो माँ है, ठीक है, उसकी जो माँ है वह क्या है, तो उसकी जो माँ है वह तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब कि वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो माँ लगेगी वह तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। अब यहाँ पर देखो वो स्वयं हो रही है क्योंकि वो नेहा को ही बता रहा है, अब नेहा के पिता की इकलौती पुत्री, क्या बोला, वो नेहा को बोल रहा है, नेहा से बोल रहा है कि नेहा तुम वो उस वहां पे जो दिख रहा है उसकी माँ जो है वह तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब कि नेहा के पिता की इकलौती पुत्री, कितनी पुत्री है नेहा के पिता की, तो नेहा के पिता की एक ही पुत्री है, तो वो खुद नेहा ही होगी, इसकी मतलब यदि एक ही बेटी है तो खुद भी नेहा हो गई, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बता रहा है, खुद नेहा के बारे में ही बता रहा है। अब उसकी माँ इसके पिता की इकलौती पुत्री है तो उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध है, तो वो खुद उसकी माँ है, वह जो व्यक्ति जो उस फोटो में है वह जो उस व्यक्ति को बता रहा है वो उस व्यक्ति की खुद माँ है, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। चलो इसी के साथ देखो आपका आज का टोटल 49 क्वेश्चन हुआ है, सबको जरूर बताएगा 49 में से आपने कितना सवाल को सही किया। सभी जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और आज दोपहर 1 बजे वाला क्लास अगर नहीं अटेंड किए हो तो अभी आपको यहाँ पर एक लिंक दिख जाएगा, उसे जाकर देख सकते हो। सबको आज दोपहर 1 बजे वाला क्लास अटेंड जरूर कर लेना, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट से जाकर भी सबको देख सकते हैं अग्निवीर आर्मी परीक्षा का, और आपको इस क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ईबुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ईबुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 85 रुपये वाला ईबुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ईबुक देख रहे हो 90 रुपया वाला,
वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल कही केवल यही दो किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ईबुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ईबुक को खरीद सकते हैं केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ईबुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्वड है, और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोनपे पेटीएम गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करना है, तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ईबुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।